दूसरा सर क्या कहना चाहेंगे, डेंटिस्ट फॉर यू आपके पेशेंट से जुड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नूरी मैम. डेंटिस्ट फॉर यू इज आर लाइक स्माइल पार्टनर, और इन्होंने हमारे सारे कंटेस्टेंट्स को मतलब सेशंस दिए उनकी स्माइल से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम हो. इनफैक्ट उन लोगों ने उन लोगों के छोटी छोटी चीजें जो उन लोगों को पता भी नहीं थी वो डेंटिस्ट फॉर यू ने उनको क्लियर किया. इन फ्यूचर उनको टीथ से रिलेटेड किस तरीके की चीजें करनी चाहिए या क्या होना चाहिए वो सारा एक्सप्लेन किया. प्लस इन्होंने हमारे सारे कंटेस्टेंट्स को एक एक डायमंड भी लगा कर दिया. थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट डायमंड. प्लस माय डायमंड इज स्टिल पेंडिंग. एंड इसके साथ साथ डेंटिस्ट फॉर यू हमारे इन फ्यूचर भी पार्टनर्स हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं. और बाकी मैम से जानना चाहूंगा कि मैम कैसे एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ जुड़ के. थैंक यू तुषार सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मिसेस इंडिया यूनिवर्स एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर इतना अच्छा लगा मुझे देख के कि अक्रॉस द ग्लोब लेडीज आई थी और उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, आई थिंक उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है कि स्टेज पे जो उनका सारा टैलेंट जो उभर के आया है, आई एम श्योर उससे पता चलता है कि उनके पीछे मिसेज इंडिया यूनिवर्स की टीम ने कितना काम किया है. जहां तक डेंटिस्ट फॉर यू की बात है तो हमने फर्स्ट टाइम इस बार उनके साथ कोलैबोरेट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेजेंट्स यू नो विमेन की हर नीड की तरफ ध्यान रख के कि जब वो स्टेज पे जाती है तो सिर्फ स्किन हेयर नहीं बल्कि उनकी स्माइल भी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जब कोई पेजेंट समझते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है. बिकॉज टीथ जो है और स्माइल जो है ये तो ऐसी चीज है कि जिसको आप छुपा ही नहीं सकते. तो बहुत सारी चीजें होती है जो लेडीज को पता नहीं होती है कि ये सब चीजें करवाने से हमारी स्माइल और अच्छी हो सकती है. तो ये बताने का हमको मौका मिला और जैसे टू डायमंड्स हमने उनके ऊपर लगाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ये बहुत अच्छे होस्ट है, हमको इतना कम्फर्टेबल फील करवाया. मैं चाहूंगी कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है ये सालों साल तक बना रहे एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द एंटायर एक्सपीरियंस. तुषार सर क्या कहना चाहेंगे? मिसेस इंडिया यूनिवर्स नेशनल लेवल पर था ही, अब इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यस, हम लोगों के दो कैटेगरीज हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम, जिसमें छह छह विनर होते हैं हम लोगों के. और इस साल हम लोगों जो हमारे जो विनर्स हैं तो हम लोग उनको मिसेज यूनिवर्स, मिसेज ग्लोब, मिसेज अर्थ, मिसेज इंटरनेशनल एंड मिसेज टूरिज्म, दीज आर आर सिक्स टाइटल्स जिसमें हम उन लोगों को इंडिया और हमारे टाइटल को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रहे हैं. दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन इंटरनेशनल बैंक आफ्टर दिस मिसेज यूनिवर्स. यस, कितने दिन का था ये? 8 डेज का गोवा में था हम लोगों का पेजेंट. और इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग, ग्रूमिंग सेशंस, क्रियोग्राफी, स्माइल पार्टनर, मैम ने इतने अच्छे 2 सेशंस दिए उन लोगों को. फ्यू टास्क भी थे उन लोगों के तो जिन्होंने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया एंड वी गॉट द विनर्स. हमने कंटेस्टेंट से बात किया, उन्होंने कहा कि कई राउंड भी ऐसे थे जो काफी अलग थे, जैसे कॉमेडी राउंड हो गया. yes. काफी, तो क्या किसका आइडिया था इस तरह से? आइडिया तो ओवरऑल टीम का था, किसी एक का आइडिया नहीं है. और मैम के साथ भी हम लोगों ने कुछ टास्क प्लान किए, कुछ प्रैंक प्लान किए. मैम के साथ भी हम लोगों ने एक प्रैंक किया हमारे कंटेस्टेंट्स ने. सो इट वॉज लाइक ओवरऑल लाइक इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी आई कैन से. मतलब आई कांट, मतलब हम इसको भूल नहीं सकते बिकॉज हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसके अंदर हमने इस तरीके के टास्क रखे, प्रैंक्स रखे, कॉमेडी शो रखा जिसमें कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया. यस, ओवरऑल इज गुड. ऑडिशन सर आप लोगों ने ऑनलाइन लिया था, कितना मुश्किल रहा? मुश्किल तो रहा क्योंकि कंटेस्टेंट जो फिजिकल प्रेजेंस जो होती है उसमें आपको ज्यादा इजीली पता चलता है. इसके अगर आप वर्चुअली उनको सेलेक्ट करते हो तो हम लोगों को एक एक कंटेस्टेंट्स के साथ हम लोगों ने 10-10 दिन का एक वर्चुअल पेजेंट रखा प्रॉपर, जिसमें हम लोगों ने उनका ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, टैलेंट राउंड, हम लोगों ने सब इवेंट, ग्रैंड फिनाले, एवरीथिंग. जिस तरीके से हम लोग फिजिकल पेजेंट में अपना कॉन्सेप्ट, जो भी जितने भी राउंड होते हैं, इस तरीके का सेम हम लोगों ने उनका ऑनलाइन भी रखा था. नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट सर 2020 की वेट कीजिए, मई के अंदर आपको मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2020 के विनर्स मिलेंगे. थैंक यू सो मच नूरी मैम, आपने इतना सपोर्ट किया और आप लोग आए. और मैं सर का नाम भी लेना चाहूंगा, नाजिम सर यहाँ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट वेल, और आई वॉज एक्सपेक्टेड कि वो यहाँ पर हो. तो उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, एक एक कंटेस्टेंट का अपना पर्सनल बाइट्स भी लिए, बातें करी, उनके साथ डिस्कशन किया. मैम ने तो सेशन लिया ही, बट नाजिम सर लाइक थैंक यू सो मच. मेरा नाम सपना जैसा है और मैं चेन्नई से हूँ.
और क्राउन जीतने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ. थैंक यू फॉर तुषार सर एंड अर्चना मैम, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे साबित करने के लिए. आई एम रियली रियली हैप्पी टुडे. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ऑल आर सो गुड, द ग्रूमर्स, ऑल मेंटर्स, स्पेशली तुषार सर, एवरी बडे इज सो वेल. तो हमको लगा कि हम हमारे घर पे ही है. कैसा आप लोगों को ग्रूमिंग कैसा किया गया? बहुत अच्छे से हम लोगों ने ग्रूम किया और जो आज हम लोग खड़े हैं उन लोग की वजह से आज हम इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं. मैम आप बताइए, अपना नाम बताइए और क्या बात करना चाहेंगे इस मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2020 के बारे में. माय नेम इज दीप्ति, आई एम फ्रॉम शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना यूएसए. Mrs. India India Universe pageant mein I won the crown for Mrs. India Universe Earth. It's a platform that I was looking for in order to promote the motto that I stand for, that is in women empowerment. So I am hoping to take this motto ahead internationally. कैसा सिलेक्शन ऑनलाइन हुआ था ड्यूरिंग क्वारंटीन. वी हैव बीन वर्किंग विद DMIU टीम. ऑनलाइन टैलेंट राउंड्स हुए, ऑनलाइन ऑडिशंस हुए, ऑनलाइन वॉक्स करके वी हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू दैट प्रोसेस. कितना मुश्किल रहा, आसान रहा ऑनलाइन? ऑनलाइन थिंग्स आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ समबडी यू कैन somebody can actually tell you you are doing something right or wrong, especially during the grooming sessions, because camera is not as natural as you are in person. So it was little difficult to understand, okay, how to pose, how to walk, how to do everything during the grooming sessions that we had online. मैम आप बताइए, अपना नाम बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ग्राउंड के बारे में. जी नमस्ते, माय नेम इज प्रिया सत्य, मैं बैंगलोर से हूँ. तो मैंने जीता है मिसेज इंडिया यूनिवर्स यूनिवर्सल टाइटल 2020-2021. तो मेरा भी सिलेक्शन इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम क्वारंटीन क्वीन. तो क्वारंटीन क्वीन में वो 10 दिन के टास्क मिले हमें. तो ईच डे वी हैड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड वी वर रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट. और जब हम लोगों ने वो जीता तो उसके बाद में बिकॉज ऑफ कोविड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज केम इन. बहुत सारे यू नो ऑप्शंस चूज करने को नहीं मिले. इनिशियली वी हैड टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दुबई और कोविड के वजह से बहुत काफी यू नो पोस्टपोनमेंट्स आए. बट देन फाइनली वी वेंट टू गोवा. अमेजिंग एक्सपीरियंस, मैं उसको सरियल बोलूंगी. मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने ये सब कर लिया. In spite of all the things that we went through, काफी फोटो शूट्स हुए जो मैंने कभी नहीं देखा है किसी भी पैजेंट के प्लेटफॉर्म में. इतना सपोर्ट, मतलब फैमिली जैसा फीलिंग एंड सो मेनी डिफरेंट शूट्स. हम लोग सच्ची में ऐसे लग रहा था कि कोई बॉलीवुड डिवाज है जिनके मतलब शॉट्स लिए जा रहे हैं. वी हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू डू. टास्क एक्टिविटीज काफी डिफरेंट थे. सो फॉर एग्जाम्पल हमें स्टैंड अप कॉमेडी करने को मिला जो शायद ही किसी ने सुना है एट अ पैजेंट लेवल. तो हम लोगों ने ऐसी चीजें की है जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम लाइफ में कर सकते हैं. तो वी गॉट आउट ऑफ कम्फर्ट जोन, वी वर्कड अ लॉट ऑन आवर बॉडीज एंड आई थिंक इट्स पेड ऑफ. वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम ऑफ MIU. फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको? बहुत ज्यादा. मैं अपना बोलना चाहूंगी तो हस्बैंड एंड डॉटर वर एक्चुअली विथ मी ड्यूरिंग द पेजेंट. हस्बैंड ने काफी सारी इनपुट्स दिए, क्रिएटिव आइडियाज दिए. पूरी फैमिली वांटेड मी टू विन. तो इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई वुड डेफिनेटली से कि यू नो जब हम लोग मैरिड वुमेन होते हैं हमारे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होते हैं अनलाइक अ मिस पैजेंट. तो हमें वो भी करके ये भी करना पड़ता है. तो अनलेस द फैमिली इज विथ यू इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो आई एम वेरी लकी दैट माई फैमिली वॉज देयर टू सपोर्ट मी. हमारी फैमिली तो वर्चुअली सपोर्ट कर रही है राइट, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ब्रिंग एवरीबॉडी फ्रॉम यूएस टू हियर. बच्चों के स्कूल है, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू मिस द स्कूल इन द मिडल ऑफ द स्कूल सेशन. In the middle of the school session, it is very difficult for them to travel and do everything. But we have been talking and we have been sharing whatever is there. So virtual support, be mila. Dentist for you के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? आप यहाँ पर आए हैं. Dentist for you, we had a session with Dr. Noreen Goa में. उन्होंने हमें session दिया था जिससे she walked us through dental hygiene and all. अमेरिका से आए हैं, अमेरिका में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो टू डेंटिस्ट एवरी सिक्स मंथ्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लाइक इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड गो. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर दैट आई एक्चुअली पर्सनली आई न्यू, बट द कॉस्मेटिक थिंग्स दैट शी वॉक्ड अस थ्रू एंड वी गॉट द
मुझे नहीं करा है, अभी मुझे करा है बाकी. सो जस्ट सो दैट व्हेन वी आर ऑन द स्टेज और व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा द स्माइल इज एक्स्ट्रा शाइनी राइट. दैट वाज अ चेरी ऑन द टॉप. Actually, I have to do session with her, but yeah, it's really good. And she came to Goa and she gave a nice like a presentation about her clinic. और मैं इतना impress हो गई हूँ कि मैं अभी ये खत्म होते ही first session लेने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी तक नहीं करा है. So it's very good. She is very lovely. जी बिल्कुल. First of all, she is such a beautiful doctor. और उनका प्रेजेंटेशन इतना ऐप था. एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू हियर कि क्या इम्पॉर्टेंट है डेंटल हाइजीन में और क्या नहीं. तो जैसे सब लोगों ने बोला, मेरे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे कराने हैं, जो आई विल एज सून एज दिस पैजेंट गेट्स ओवर. अभी वही बाकी है. बट अमेजिंग, आई मीन शी इज सो ऑसम. उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया इसमें और ऑल ऑफ अस हैव डायमंड्स इन आवर टीम थैंक्स टू हर. वेल, 30th आई वोन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन पेजेंट इंडस्ट्री. So definitely it's a big experience and it was a show about Tushar Dhaliwal representation and we had lots of tasks to do. We had the stand-up comedy, we had the talent round, we have gone through many kinds of photo shoots where we have experienced different landscapes were given and we shoot onto that. And not like that, we did the dance rehearsals over there and rampur and the ethnic dress wear sessions were there where we did the rampur of traditional round, national round, representing India internationally. I did it as I'm from Dubai. So it was a great experience for the first time in the beauty industry and I'm quite happy with such things in life. Thank you so much. Ma'am, aap kya kuch kehna chahenge? Sabse pehle naam bataiye, kya kehna chahenge Mrs. India University ke bare mein? I'm Neeru Tomar and I have won the title of Mrs. India Universe Globe. And I'm very happy. And जिस तरह आपने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा तो मैं आपके ही अपनी हमारी मातृभाषा में ही आपको जवाब देना चाहूंगी कि मैंने मिसेज इंडिया यूनिवर्स उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था, अपने स्टेट को. और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ज्यादा अच्छा मुझे एक्सपोजर मिला है जो कि आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट इन फ्यूचर ऑल्सो. आई वॉन्ट टू यूज इट एंड आई एम फ्रॉम आगरा एंड बींग एन आर्मी ऑफिसर वाइफ इट वॉज अ ग्रेट exposure for me and we have learned so many things. We had very good mentors here and we have faced so many rounds and so many photo shoots and I was very excited. I'm still very excited for our photo shoots and all what we have done. So it was a very good experience. I really want to explore it in future and I want to use this opportunity in future also. Thank you. My name is Anupama Rao. I'm from Mysore, Karnataka. So it is a big opportunity for learning and growth. That is all. That's all I can say because we have so much of opportunities here for a married woman. We never expected that we can do. So all these things we could do, we are able to carry ourselves to international pageants. So this is how they have prepared us and I'm very happy and glad to be a part of Mrs. India Universe 2021 and I thank the entire unit for having given this big opportunity. Dentist for you, actually she is very good dentist. She is really nice and she came to us and she given us a very good lecture about our dental cleaning and all so many things she has taught us and I really found that very really educational and we have learned so many things there, isn't it? Yeah, exactly. Yeah, Miss Doctor Nohi, she took a session with us on
on our pageant while the shoot was going on, and she gave us a very good gift. We got a diamond tooth on the side stuck on it, and thanks to Dr. Nohi, so, and she was our judge on the finale day, and she's amazing. She's amazing. His husband, both of them, like, it was a quite good experience with her, and thanks to her. And we are very happy to be at their store today. It was one big experience, rich experience with them. Both of them are extremely knowledgeable, and they have given us all beautiful diamonds on the teeth, and we are thankful to them, and happy to be at their store today. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जूही वर्मा है, और ये क्राउन जीत के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. एंड मिसेस इंडिया यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जो एक प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है, दैट इज टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, तो वी आर हियर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स. हेलो एवरीवन, मैं यूएस से आई हूँ, मैं कैलिफोर्निया से आई हूँ. आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग दैट्स वेरी न्यू फॉर मी, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड दैट आई गॉट मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल, एंड आई एम गोना रिप्रेजेंट इंटरनेशनली. सो हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वहाँ पे भी आई गॉट टू मीट सच लवली 11 वंडरफुल गर्ल्स. They are going to be my lifetime friends. That's what I'm going to cherish the most. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. आई एम वेरी मच थ्रिल्ड एंड थैंकफुल कि मैं यहाँ आ पाई हूँ इस डिफरेंट सिचुएशन में, जहाँ पर ट्रैवलिंग और ये सब थोड़ा मुश्किल है. बट आई एम थ्रिल्ड एंड हैप्पी कि आई कुड डू इट एंड डिड इट नाइसली एंड मेड सच लवली फ्रेंड्स. थैंक यू. मैम, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से आप लोगों को गुरु भी दिया गया? Yes, I'm Anuja Zaveri, and I've won the title of Mrs. India Universe Globe 2021. I am from Mumbai, so love you Mumbai. And मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो platform दिया गया है Mrs. India के लिए, that is really, you know, we are all are grateful about it, because Mrs. को ज़्यादा importance नहीं दिया जाता है, उनको ज़्यादा ये pageant industry में importance नहीं दिया जाता है. And they have got our multi talents on one platform. तो हम लोग ने grooming एक चीज़ की नहीं, बहुत सारी चीजों की है, एंड दैट्स लीडिंग टू आवर ग्रोथ एज वेल. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स, एंड इट्स रियली स्पेक्टेक्युलर टू बी हियर. थैंक यू सो मच. डेंटिस्ट फॉर यू के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपको यहाँ पर आए हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट कराने वाले, क्या कुछ करने वाले, इसके बारे में? यस, सो डेंटिस्ट फॉर यू ने ऑलरेडी हमें एक यू नो डायमंड दे दिया है स्माइल में, सो दैट इज एन एक्स्ट्रा स्पार्कल इन अ स्माइल. एंड आई विल बी डेफिनेटली डूइंग सम ट्रीटमेंट्स, आई एम डूइंग द कंसल्टेशन राइट नाउ, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ बेटर स्माइल. And thank you so much, because this needs, you know, the pageant industry needs a good smile. That's your first confidence, you know. With the crown, smile achhi honi chahiye. So we are definitely going to go further and work about it. Yeah, when I first met them, I was not sure about the diamond, but then I decided to go with it, and I kind of loved it. They really pampered us and did it in very less time. तो बहुत अच्छा लगा, और आज जो भी वो बताएंगे मैं देखूंगी क्या करना है. आई वुड गो फॉरवर्ड अगर कुछ मुझे चाहिए. डेंटिस्ट फॉर यू हैज गिवन अस अ स्पार्कलिंग स्माइल, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट विजिट. दैट्स इट. थैंक यू. आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या कुछ कहना चाहेंगे मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2020 के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताइए. ओके, शुरू. यस, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रुति सक्सेना है, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ. और मिसेज इंडिया यूनिवर्स में हमें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि शादी होने के बाद में महिलाओं को सिर्फ घर गृहस्थी ही देखनी होती है, लेकिन इस मंच ने हमें आगे बढ़ने का और अपनी आइडेंटिटी को एक बार फिर से पहचानने का मौका दिया. इसके लिए मैं तहे दिल से तुषार सर और अर्चना मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. एक नई पहचान के साथ जब हम ये क्राउन लेके हमारे घर में जाएंगे, तो हमारे घर में ही नहीं, हमारे देश में, हमारे स्टेट में भी हमारी एक अलग नई पहचान होगी, और जिसके लिए मैं क्रेडिट मेरे ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर और फाउंडर को देना चाहती हूँ. धन्यवाद. मैम, जैसे कि आपने क्राउन तो जीत लिया है, तो क्या रिस्पॉन्स मिला दोस्तों का या फैमिली मेंबर, किस तरह से आपको बधाई दे रहे हैं?
बहुत ज़्यादा खुश हैं वे सभी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं हम लोगों को क्राउन के साथ घर आके देखने के लिए भी. और रही बात दोस्तों की, वो सभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे गूगल पे फॉलो करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं. शाम तक जब ये न्यूज़ सारे इंडिया में फैल जाएगी तो वो लोग और ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वो लोग चाहेंगे कि हम लोग उनसे रूबरू हों. तो बस जल्द ही ये काम किया जाएगा. थैंक यू. मैम आप बताइए क्या कुछ कहना चाहिए मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2020 के बारे में, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा आपका और किस तरह से ऑडिशन दिया, किस तरह से सिलेक्शन हुआ, जर्नी के बारे में बताइए आप. श्योर. मैं सिडनी की रहने वाली हूँ. अपोलॉजीज माय हिंदी इज नॉट द बेस्ट. सो मैं क्वारंटीन क्वीन में ऑडिशन दिया था एंड आई वाज वन ऑफ द टॉप टेन विनर्स फॉर क्वारंटीन क्वीन. उसके बाद वी वर सपोज टू हैव दिस इवेंट इन 2020 बट ड्यू टू कोविड एंड एवरीथिंग इट गॉट डिलेड. बट लकी आई एम वेरी हैप्पी दैट इट गॉट डिलेड बिकॉज इट गेव अस मोर चांस टू ग्रूम आवरसेल्व्स एंड वर्क ऑन आवरसेल्व्स एंड यू नो देन वी काइंड ऑफ वी Sir, Tushar sir, Narshara ma'am, they were constantly kind of on the phone with us. They were giving us sessions. We were constantly talking what to do, what not to do, how to look after ourselves from health ideas as to what we should be doing, how we should be eating, all of that, the diets and stuff and exercises. So I used to be very weak and I don't mind saying that on camera. I was 106 kilos when I first entered this audition and then I have gone through a surgery and then I have had major other issues and I have been through everything that is required. I have followed the process, diet, lifestyle changes. I have made a lot of sacrifices and it's all because of Mrs. India Universe and I'm really really happy and proud to have won this crown which is Mrs. India Universe and I would love to represent India internationally even though I am an Australian citizen but I also hold an Indian OCI card so therefore I will be representing India internationally. मैम आज आप लोग डेंटिस्ट फॉर यू के लिए आए हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके क्लिनिक के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो डेंटिस्ट फॉर यू हमारा एक पार्टनर है और वे आए थे गोवा में टू कम एंड ग्रूम अस, ट्रेन अस ऑन पर्सनल हाइजीन इन टर्म्स ऑफ यू नो कैसे आपको टीथ कैसे साफ करके रखना चाहिए, हाउ व्हाट यू नीड टू डू टू मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग योर your clean teeth because smile is very important we have learned because most of our photos where whenever we get a photo done it's always we are smiling so wo bahut important hai so for a night for a beautiful smile you have to have a beautiful teeth and for that you need to clean your teeth regularly there is scaling there you need to also whiten your teeth and there's plenty of other options that you can opt for so they have taught us that and also we got a little gem done so which is really pretty and we all quite enjoyed having those and she actually was bit happy and excited and got two of them done but I was happy with just the one and they were really good they helped us a lot as well and I think everyone in Mrs. India Universe were pretty good so all the trainers the groomers Tushar Archana unfortunately Archana could not make it this time because of her health issues but Tushar was there and he would be up from 6 o'clock in the morning and he wouldn't go to sleep until 3 till we finish all our tasks and whatever we were required to do so it was really good and most of the girls here were really really helpful and friendly and we have had a lovely time in Goa we just enjoyed thoroughly we were exhausted yes but it was worth it and I can't say हाँ जब हम लोग गोवा में थे तो ये सेशंस बहुत अच्छा हुआ और इसी बीच में हमारी मुलाकात डॉक्टर नौरीन से हुई और उन्होंने हमारे दांतों में एक नहीं दो दो डायमंड लगा के दिए. बहुत अच्छा हमें सिखाया भी कि अपने दांतों को कैसे क्लीन रखना है, कितनी बार ब्रश करना है और ये जो डायमंड है ये एटलीस्ट 1.5 ईयर तो लगेगा ही इसको निकलने में. जब तक हम लोगों की स्माइल में 4 चांद लगवा दिए तो इसके लिए तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगी.
और चाहती हूँ कि बहुत सारा ट्रीटमेंट आगे भी हम लोग लें अगर हमारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम आती है या ऐसा कुछ होता है तो वो है हमारे साथ. देयर इज देयर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस दिस डेज. लाइक ऐसे नहीं कि अगर आपके स्माइल जैसे बहुत जन के होते हैं कि ना दांत थोड़ा येलोइश हो जाते हैं या नॉट हो जाते हैं गैप हो जाता है तो गैप को भी वो अच्छे से ट्रीटमेंट करके यू कैन एक्चुअली गो फॉर समथिंग कॉल्ड Vineyards, yes. Or you can also get Invisalign, which fixes your teeth. So it's really helpful. अगर आप लोग करना चाहते हैं, just और हमारी टीम के लिए कहना चाहूँगी कि हमारी एंकर भी बहुत अच्छी थी, मिस जो हंसते हंसते हम सबसे बातें किया करती थी. अप्सरा जो हमारी कोरियोग्राफर थी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से आज हम लोग exactly बहुत अच्छा लोगों का एक्सपीरियंस रहा. और वी आर जस्ट अ फैमिली मेंबर्स. ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग किसी कंपटीशन में आए हैं. एक्चुअली इट वाज वेरी हेल्दी कंपटीशन, वेरी वेरी हेल्दी. और सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हेल्दी डेवलप हुए हैं जो आगे भी हम लोग हमेशा रखेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. या मुझे मेरी एक सिस्टर मिली है जो हमेशा मेरे साथ रहने वाली है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ और जिस तरह से हम लोग इस कंपनी को इतने सालों से चलाते हुए आ रहे हैं, घर बैठी जो महिलाएं हमारी जो लेडीज़ हैं जो एक सबके सपने होते हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि एक लेडीज़ जो होती हैं वो घर का काम करने के लिए ही वो बनी है. नहीं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उनका टैलेंट दिखाना चाहिए. तो इस प्लेटफॉर्म को हमने आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को हमने बनाया है और इसको करते हुए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा अच्छे से सक्सेसफुली हमारा गोवा में फंक्शन हुआ तो सभी खुश हैं. और इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पे कंटेस्टेंट आए हैं और अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनका कितना सपोर्ट रहा आप लोग? कंटेस्टेंट्स तो वंडरफुल थे, सब सपोर्टिव थे, बहुत टैलेंटेड थे, सबने बहुत मेहनत करी है अपने अपने लेवल पर और सबसे बड़ी बात थी पंक्चुअल थे, क्योंकि पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है. और हमारे जो ग्रूमर्स है उन्होंने भी बहुत हेल्प की है, उनकी बहुत अच्छे से जी जान से उनकी पूरी हेल्प की है, मतलब सिखाया उनको काफ़ी अच्छी से और इन्होंने बहुत अच्छे से करके दिखाया. थैंक यू.